देखिए, गर्भपात से जुड़े जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों में महिलाओं को यहाँ पर गौण दिखाया गया है। गौण किस लिए दिखाया गया है? क्योंकि उनको रूल्स के बारे में नहीं पता है, रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है, तो इस वजह से गर्भपात से जुड़े अधिकारों में महिलाओं को गौण बताया गया है। भारत में अगर बात करें, गर्भपात से संबंधित निर्णय के केंद्र में अभी भी नहीं रखा गया है महिलाओं को, गर्भपात से संबंधित निर्णय के केंद्र में, क्योंकि इसके लिए उन्हें डॉक्टर और न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर महिलाओं को गर्भपात करवाना है, अबॉर्शन करवाना है, तो उसके लिए अब जो ये निर्णय है, ये खुद महिला डिसाइड नहीं कर सकती। इसको डिसाइड करने के लिए या तो डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ पर डिसाइड करेगी, या फिर आपका जो न्यायालय है उस पर उस महिला को निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। तो कानून और पितृसत्ता का वर्चस्व यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे मामलों में हम देख करते हैं कि याचिकाकर्ता के पक्ष में जाना और न जाना उसकी स्थिति की दयनीयता पर निर्भर करता है, चाहे वे बलात्कार पीड़ित हो या परित्यक्तिता हो या फिर एकल हो या भ्रूण की असामान्यता से पीड़ित हो, उसे अपनी पसंद के अनुसार चलने के लिए बाधाओं के बड़े पड़ाव को पार करना पड़ता है। एक और नौ न्यायाधीश और SC पट्टे स्वामी का ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें कहा गया है कि प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का अधिकार एक महिला की निजता का सम्मान और शारीरिक अखंडता के मौलिक अधिकार से लिया गया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें 1860 की IPC धारा की, धारा जो है IPC की, प्रावधान गर्भपात को यहाँ पर अपराध घोषित कर दिया गया है, 1860 में इसको अपराध घोषित कर दिया गया था, जबकि इसको जो प्रजनन संबंधी विकल्प है उसको चुनने का अधिकार है एक महिला की निजता संबंध सम्मान और भारत जो शारीरिक अखंडता है उसके मौलिक अधिकार यहाँ पर दिया गया है। 1971 की बात करें, 1971 में MTP अधिनियम ने इसके लिए अपवाद बनाए थे ताकि चिकित्सकों को कुछ शर्तों के तहत गर्भपात करने में सक्षम बनाया जा सके, और यह पूरी तरीके से डॉक्टर केंद्रित ढांचा है। इसमें लगभग 50 वर्ष बाद भी अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग न्यायालय और गर्भपति की अनुमति देने और अस्वीकार करने के लिए अलग अलग मानदंडों का उपयोग करना जारी रखे हुए हैं, और इन सबके बीच महिला की इच्छा है वो यहाँ पर गौण हो जाती है। महिला की इच्छा का कोई सम्मान यहाँ पर नहीं रहता है। हमें नागरिकों की शारीरिक स्वायत्तता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि नागरिकों का वो अपना शरीर होता है, उस शरीर पर अपनी स्वायत्तता होती है, उस पर अपनी खुद की आज़ादी होती है, उसको बढ़ावा देने पर हमें यहाँ पर जोर देना चाहिए। तो ये जो लेख छपा है ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है 17 जुलाई 2024 को, और उसी के बेस पर AFEIS ने इसको PDF के रूप में जनरेट किया है, और हमने आपको अपनी भाषा में आपको ये बताया है कि इसमें क्या मटेरियल बताया गया है। तो इसको आप एज ए ऑडियो फॉर्म में आप सुन सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।